फिल्म की शुरुआत में हमें एक पिता सीफर और उनके बेटे किटाई को दिखाया जाता है जो एक प्लेन में सफर कर रहे थे कि तभी उनकी प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और किटाई सीधे जमीन पर आ जाता है, जिसके बाद हमें किटाई की बैकग्राउंड वॉइस सुनाई जाती है जिसमें वो कहता है कि मैंने सुना था कि पृथ्वी एक खूबसूरत प्लेनेट है पर आज से 1000 साल पहले धरती को इंसानों ने ही बर्बाद कर दिया, इसलिए अमेरिका द्वारा कुछ रेंजर की टीम बनाई गई जो सारे इंसानों को उनके नए घर नोवा प्राइम में ले गए। पर अब वहाँ एलियन अपना कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इंसानों को खत्म करने के लिए अपने खतरनाक क्रीचर आरसा को भेजा जो देख नहीं सकते लेकिन जब इंसान का डर के मारे पसीना निकलता है तो वो उसे सूंघ सकते हैं, जिसके बाद वो उनकी जान ले लेते हैं। पर रेंजर में से एक नेम सीफर है जिन्हें लोग एक रहस्यमय इंसान मानते हैं, कहा जाता है कि उनके अंदर जरा भी डर नहीं है इसलिए उन्हें पसीना नहीं आता और वो बड़ी ही आसानी से आरसा को मार देते हैं। पर अब इन आरसा के कारण इंसानों को फिर से रेंजर्स की जरूरत पड़ी है, जिसके बाद अब हमें 3 दिन पहले का समय दिखाया जाता है जहां किटाई और उसके कुछ साथी रेंजर्स ट्रेनिंग कैंप में होते हैं, जहां कमांडर किटाई से कहते हैं कि तुम सारी चीजों में अव्वल हो पर मैदान में तुम डर जाते हो इसलिए मैं तुम्हें रेंजर नहीं बना सकता। पर किटाई उनसे विनती करता है कि कई दिनों बाद मेरे पिता घर आ रहे हैं और मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि अब मैं भी रेंजर बन चुका हूँ, लेकिन कमांडर उसे ना में ही जवाब देते हैं। अब सीफर घर आ जाता है और रात को खाने के समय वो किटाई से पूछता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है, जिस पर वो कहता है कि कमांडर ने मुझे रेंजर नहीं बनाया, जिसके जवाब में वो सीफर कहता है कि तुम अब भी तैयार नहीं हो इसलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। और अब किटाई वहां से जाने लगता है, जिस पर सीफर उसे रुकने को कहता है और फिर उसे एक पिता की तरह नहीं बल्कि एक रेंजर की तरह समझाते हैं। अब रात को सीफर अपनी पत्नी से कहता है कि मैं कुछ स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ, वहाँ से आने के बाद मैं अपनी रिटायरमेंट की घोषणा कर दूंगा, जिसे सुनकर वो खुश हो जाती है। पर वो उसे ये भी कहती है कि किटाई बस परेशान रहता है जो उसकी बहन के साथ हुआ, दरअसल किटाई की बड़ी बहन को एक आरसा ने मार दिया था जब किटाई वहीं था लेकिन वो उसे बचा नहीं पाया और इसका जिम्मेदार वो अपने आप को ही मानता है। वो सीफर को समझाते हुए कहती है कि तुम किटाई के साथ एक रेंजर की तरह नहीं बल्कि पिता जैसा व्यवहार करो, उसे पिता की सख्त जरूरत है, जिसके बाद वो किटाई के कमरे में आकर उसे कहता है कि कल तुम भी मेरे साथ चलोगे, जो सुनकर वो एकदम खुश हो जाता है। अब अगले दिन सीफर, किटाई और बाकी रेंजर स्पेसशिप से एक नए प्लेनेट में जा रहे होते हैं और उस स्पेसशिप में एक आरसा को भी बंदी बनाकर रखा गया है क्योंकि नए प्लेनेट में रेंजर्स की उस आरसा के साथ ट्रेनिंग होगी। पर जब स्पेसशिप में सभी सो रहे होते हैं कि किटाई वहां से आरसा के पास आ जाता है जो बंदी बना था, लेकिन एक रेंजर उसे आगे बढ़ने से रोकता है पर इस पर दूसरा रेंजर कहता है कि ये सीफर का बेटा है, उसे देखने दो, जिसके बाद अब किटाई उस आरसा के नजदीक जाने लगता है लेकिन तभी उसे अपनी बहन का एक विजन आता है जहां उसकी बहन उसे कांच के गोले के अंदर डालकर आरसा से खुद ही लड़ने चली जाती है, जिससे किटा एकदम डर जाता है और अब उसके डर के कारण आरसा घुर्राने लगता है। पर तभी वहां सीफर आ जाता है जो सभी को तैयार रहने को कहता है कि हम उस प्लेनेट पर पहुंचने ही वाले हैं। सीफर भी अब वहां से पायलट रूम में आ जाता है पर तभी उनका स्पेसशिप एक उल्कापिंड के तूफान से टकरा जाता है, जिस पर अब सीफर कहता है कि स्पेसशिप को सबसे नजदीक प्लेनेट पर ले चलो। पर जब वो उस प्लेनेट के करीब आते हैं तो उन्हें स्पेसशिप के कंप्यूटर से चेतावनी मिलती है कि उस प्लेनेट पर उतरना इंसानों के लिए ठीक नहीं है और सरकार द्वारा बैन भी कर दिया गया है वहां पर। पर पायलट सीफर को कहते हैं कि हमारी स्पेसशिप को भारी नुकसान हुआ है इसलिए हम आगे नहीं जा सकते, हमें वहीं उतरना होगा, जिसके बाद अब उनकी स्पेसशिप उस प्लेनेट की तरफ गिरने लगती है। वहीं सीफर वहां से किटाई के पास आता है और यही से मूवी की शुरुआत हुई थी। पर फिर तभी देखते ही देखते स्पेसशिप 2 हिस्सों में बढ़कर क्रैश लैंडिंग कर जाता है। अब भागे से किटाई बच जाता है और होश में आने के बाद वो बाकी रेंजर्स को ढूंढने लगता है, पर दुर्भाग्य की बात ये कि सभी अब मर चुके थे। वहीं उसे उसके पिता भी दिखाई देते हैं जो एकदम बेहोश थे और इस दुर्घटना के कारण उनके दोनों पैर भी टूट चुके थे, पर भाग्य से उन्हें कम से कम होश आ जाता है। किटाई अब उन्हें बताता है कि सभी मारे जा चुके हैं और स्पेसशिप का आधा हिस्सा भी गायब है। फिर वो किटाई को यूटिलिटी कंपार्टमेंट से एक डिवाइस ने बीकन लाने को कहते हैं जो अंतरिक्ष में दूर तक संपर्क करने के लिए योग्य है, पर जब किटाई उसे उठाता है तो वो भी अब टूट चुका था। अब कैसे तो सीफर कंप्यूटर की मदद से चेक करते हैं कि स्पेसशिप का आधा हिस्सा कहाँ है, जो उन्हें जल्दी पता चल जाता
जाता है कि वो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, इसलिए वो तुरंत किटाई से कहते हैं कि स्पेसशिप के पिछले भाग में भी एक बीकन लगा हुआ है, तुम्हें वहाँ जाकर बीकन लाना होगा और यदि तुम नहीं ला पाए तो हम दोनों ही मारे जाएंगे, क्योंकि इस प्लेनेट की सारी चीजें इंसानों के रहने लायक नहीं है, क्योंकि ये दरअसल कोई और प्लेनेट नहीं बल्कि पृथ्वी है जो अब इंसानों के लिए खतरा बन गई है। अब ये सुनकर किटाए थोड़ा घबरा जाता है, जिस पर सीफर उससे कहते हैं कि तुम्हारे लिए हर फैसला हमें जिंदगी या मौत दे सकता है, जिसके बाद वो उसे 7 इनहेलर देकर कहते हैं कि अभी एक ले लो और बाकी हर 20 घंटे में तुम्हें एक लेना है और तुम्हारे सूट में हर जगह कैमरा लगा है जिससे मैं तुम्हें यहाँ बैठ कर देख पाऊंगा, जिससे मैं तुम्हें गाइड भी कर सकूंगा। अब उनके सारे इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद किटाए स्पेसशिप से बाहर आकर पहाड़ पर चढ़ाई करने लगता है और ऊपर पहुंचने पर वो पृथ्वी को देखता है जो हजारों सालों से इंसान के ना होने की वजह से बहुत ही खूबसूरत हो गई है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ सीफर अपना पैर चेक करता है जिससे उसे पता चलता है कि उसे ऑपरेशन करना होगा, लेकिन उसके लिए उसे पेन किलर की जरूरत पड़ेगी जिसकी मदद से वो सो पाए, पर इसका मतलब ये भी कि वो किटाए को गाइड नहीं कर पाएगा, इसलिए वो ऑपरेशन कैंसिल कर देता है। वहीं इधर किटाए आगे बढ़ रहा होता है कि तभी सीफर उससे कहता है कि तुम्हारे करीब कोई तो जानवर आ रहा है, इसलिए तुरंत होशियार हो जाओ। पर तब तक वहाँ एक बड़ा बंदर आ जाता है जिसे देखकर किटा एकदम डर जाता है। सीफर उसे कैसे तो शांत रहने को कहता है, पर फिर वो एक पत्थर उठाकर उस बंदर को मारता है जिसके कारण अब वहाँ बहुत सारे बंदर आ जाते हैं। सीफर उसे गाइड करता है कि यहाँ से 200 मीटर दूर एक नदी है, वहाँ तुरंत चले जाओ, जो जानने के बाद अब किटा तुरंत नदी की तरफ भागने लगता है, लेकिन वो बंदर अब भी उसका पीछा कर रहे थे। पर भाग्य से वो नदी तक पहुंचकर उसके अंदर चला जाता है जिससे अब सारे बंदर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन किटाए डर के मारे नदी से बाहर आने के बाद भी भागता रहता है, जिस पर फिर सीफर कहता है कि तुम्हारे पीछे कोई नहीं है, वहीं तुरंत रुक जाओ, जिसके बाद वो घुटने के बल जमीन पर बैठ जाता है। सीफर अब उसे रिवील करता है कि तुम्हारे खून में जहर फैल रहा है, तुरंत अपने शरीर को चेक करो। और जब किटाए अपना हाथ देखता है तो उसके हाथ पर एक कीड़ा था जो उसे काट लिया था, जिससे अब किटाए को धुंधला दिखाई देने लगता है। सीफर अब तुरंत उसे अपने मेडिकल किट से इंजेक्शन निकालकर अपने दिल पर लगाने को कहते हैं, जो वो तुरंत वैसा ही करता है, पर फिर भी वो दूसरा इंजेक्शन नहीं लगा पाता क्योंकि अब उसका हाथ काम करना बंद कर देता है, इसलिए अब वो उसी इंजेक्शन को सीधे रखकर उस पर गिर जाने कहता है, जिससे वो इंजेक्शन सीधे किटाए के दिल में जा लगती है, जिसके बाद सीफर उसे वहीं कुछ देर आराम करने को कहते हैं जब तक दवा का असर ना हो जाए। अब कुछ समय बाद सीफर उसे उठने को कहता है क्योंकि अब तापमान तेजी से गिर रहा था। वो उसे समझाते हैं कि तुम्हें 50 मिनट में 10 किलोमीटर भागना है, वहाँ दरअसल एक गर्म जगह है जहाँ तुम रात गुजार सकते हो, जो सुनकर अब किटाए सीधे भागना शुरू करता है। वहीं इधर सीफर बिना पेन किलर लिए अपने पैर का ऑपरेशन शुरू कर देता है जिससे उसे बहुत ही तेज तकलीफ होती है, लेकिन वो ये बात किटाए को नहीं बताता। और अब देखते ही देखते किटाए गर्म जगह पहुंच जाता है। सीफर अब उसे दूसरा इनहेलर लेने को कहता है, लेकिन दुर्भाग्य से 2 इनहेलर टूट चुके थे और वो भी उसके बारे में सीफर को नहीं बताता, क्योंकि यदि वो बता देगा तो सीफर उसे वापस बुला लेंगे और वहीं दोनों की जान अब उस पर निर्भर है। अब किटाए रात को एक जगह आराम करके अगले दिन फिर आगे बढ़ने लगता है, जिसके बाद अब सीफर उसे गाइड करते हैं कि आगे एक झरना है जहां तुम्हें जाना है। वहीं इधर सीफर के पेन किलर ना लेने के कारण उनका ऑपरेशन असफल रहता है, लेकिन अब भी वो किटाए को नहीं बताते। वहीं दूसरी तरफ किटाए झरने तक पहुंच जाता है, जिसके बाद अब सीफर उससे उसके पास जो भी है सभी चीज दिखाने को कहते हैं, पर किटाए के पास सिर्फ 2 ही इनहेलर बचे थे, जिस पर अब वो कहता है कि इन 2 से ही मैं मिशन पूरा कर लूंगा। वहीं सीफर को कंप्यूटर से पता चलता है कि झरने से कूद कर ही आगे जाया जा सकता है, इसलिए सीफर उसे आदेश देता है कि वापिस आ जाओ क्योंकि तुम्हारे लिए आगे खतरा हो सकता है, लेकिन किटाए मानने के लिए तैयार नहीं होता। किटाए कहता है कि मेरी बहन ने भी मुझे उस कांच के गोले से बाहर ना निकलने का आदेश दिया था और मैंने उस समय वो आदेश मान भी लिया, जिससे मेरी बहन आज जीवित नहीं है, इसलिए अब मैं कोई आदेश नहीं मानूंगा और मैं इस मिशन को पूरा करके ही रहूंगा। और ये कहते ही वो झरने से सीधे नीचे कूद जाता है, पर उसका सूट इतना एडवांस था कि वो हवा में ही उड़ने लगता है, पर फिर तभी उसके पीछे एक बड़ा पक्षी लग जाता है और किटाए अब उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो पक्षी उसे अंत में धर ही लेता है, जिसके बाद सीफर का कैमरा भी बंद हो जाता है।
है और अब वो उसे देख भी नहीं सकता। वहीं अब जब किटाई की आंख खुलती है तो अपने आप को उस पक्षी के घोंसले में पाता है जहां उसके कई सारे बच्चे थे। और फिर तभी वहां कुछ लेपर्ड आ जाते जो उन बच्चों का शिकार करने आए थे। पक्षी फिर उन्हें उठाकर दूर फेंकने लगता है और जो घोंसले के अंदर आ चुके थे उन्हें किटाई सीफर के हथियार से मारकर भगा देता है। लेकिन दुर्भाग्य से सारे बच्चे मर चुके थे और अब किटाई भी नीचे आ जाता है जहां वो पक्षी अपने बच्चों को देखकर रो रहा था। पर किटाई के पास अब और कोई चारा नहीं, वो आगे बढ़ने लगता है और अब वो भी सीफर से संपर्क नहीं कर पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ सीफर को कैमरा के जरिए कुछ पायलट मृत दिखाई देते हैं जिन्हें आरसा ने ही मारा था, जिससे वो समझ जाता है कि जिस आरसा को उन्होंने बंदी बनाया था वो अब आजाद हो गया है। पर फिर भी किटाई आगे बढ़ता है और अब रात एक गुफा के अंदर गुजारता है जहां फिर उसे एक रहस्यमय उड़ने वाला सांप भी दिखाई देता है। इसके बाद अगले दिन वो आगे बढ़ते हुए एक नदी के पास आ जाता है और किसी तरह लकड़ी का एक नाव बनाकर समुन्द्र में उतर जाता है और समुन्द्र में सफर करते हुए उसकी आंख लग जाती है। और जब उसकी आंख खुलती है तो उसकी नाव एक जगह रुकी हुई थी क्योंकि ठंड के कारण पानी जमने लगा था, इसलिए अब वो नाव से उतर कर आगे बढ़ता है। पर अब तभी बर्फ भी गिरना शुरू हो जाता है और ज्यादा ठंड होने के कारण किटाई आगे नहीं बढ़ पाता और फिर वही जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। पर उसके बेहोश होने के बाद कोई अनजान चीज उसे उठाकर दूसरी जगह ले आती है। और अब जब अगले दिन किटाई की आंख खुलती है तो वो अपने आप को लकड़ी और झाड़ियों के बीच पाता है और अब जब वो वहां से बाहर आता है तो उसे वही पक्षी मृत दिखाई देता है जिसने रात भर किटाई को ठंड से बचाकर अपनी जान दे दी, जिसे देख वो एकदम दुखी हो जाता है। पर अब उसके पास और कोई चारा भी नहीं, इसलिए वो आगे ही बढ़ने का सोचता है। लेकिन काफी समय से इनहेलर ना लेने के कारण उसकी हालत एकदम खराब होने लगती है। पर फिर तभी भाग्य से उसे स्पेसशिप का टूटा हुआ टुकड़ा दिखाई दे देता है, इसलिए वो सीधे पेड़ पर चढ़कर स्पेसशिप को ढूंढने लगता है जो भाग्य से उसे दिखाई भी दे जाता है। जिसके बाद वो तुरंत वहां पहुंचकर सबसे पहले इनहेलर लेता है जिसके मदद से वो थोड़ा ठीक महसूस करने लगता है। अब इसके बाद वो सीफर से संपर्क करने की कोशिश करता है जहां सीफर तो उसकी आवाज सुन पा रहा था लेकिन किटाई को सीफर की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। किटाई अब बीकन से नोवा प्राइम को संपर्क करने की कोशिश करता है लेकिन उससे संपर्क नहीं हो पा रहा था, जिससे वो अब परेशान हो जाता है। दरअसल आकाश में बिजली की एक परत जम गई थी इसलिए बीकन संपर्क काम नहीं कर रहा था। इसके लिए अब किटाई को पहाड़ पर चढ़कर बीकन से संपर्क करना होगा, इसलिए अब किटाई पहाड़ की तरफ बढ़ने लगता है। पर वहां उसे एक रेंजर के शव दिखाई देते हैं जिससे वो एकदम भयभीत हो जाता है। और वहीं इधर सीफर को मालूम हो जाता है कि उसके डर के कारण आरसा ने किटाई को ढूंढ लिया है और अब वो उसी की तरफ बढ़ रहा है। अब वहीं किटाई भी पहाड़ की एक गुफा के पास पहुंच जाता है पर तभी उस पर आरसा हमला कर देता है जिससे डर कर वो वहां से भागते हुए पानी में गिर जाता है। और वहीं इस तरफ सीफर कई बार बिना पेन किलर के ऑपरेशन के प्रयास करने के कारण वो एकदम कमजोर हो जाता है। दूसरी तरफ किटाई पानी से बाहर आकर पत्थरों की मदद से ऊपर जा रहा होता है, ये तभी वहां आरसा आकर उसका पैर जकड़ लेता है लेकिन किटाई अपने हथियार को पत्थर में फंसा कर लटक जाता है और आरसा को नीचे ढकल कर पहाड़ के ऊपर आ जाता है और तुरंत बीकन से संपर्क करने की कोशिश करता है। लेकिन अब आरसा वहां भी आकर उस पर हमला कर देता है जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। जिसके बाद उसे अपनी बहन का विजन आता है और अब वो अपनी बहन को याद करके वो अपने डर पर काबू पा लेता है, जिससे अब आरसा उसे नहीं देख पाता, जिसके मदद से अब वो उठकर अपने हथियार से आरसा से लड़ने लगता है और अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए उसे अंत में मार गिराता है, जो सारी चीजें सीफर कैमरा से देख रहा होता है। अब किटाई भी बेकन से संपर्क करने में सफल हो जाते हैं, जिसके बाद वहाँ सोल्जर्स आकर दोनों को रेस्क्यू कर लेते हैं। और फिर कुछ देर बाद किटाई अपने पिता से मिलने आता है जो खड़े होकर किटाई को सलूट करते हैं और रोते हुए अपने पिता के गले लग जाता है। जिस हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।